Hello everyone. Today I am going to teach book second, The Pact with the Sun. ये आपकी दूसरी बुक है, उसका फर्स्ट चैप्टर है और जिसका नाम है टेल ऑफ टू बर्ड्स, यानी दो चिड़ियों की कहानी, दो पक्षियों की कहानी। इसमें दो बर्ड्स होती हैं जो आपने हिंदी में सुन रखी है कि उसकी माँ मर जाती, बहुत तेज तूफान आता है और जो दो बर्ड्स हैं वो एक रॉबर के पास, डाकू के पास चला जाता है, उसको पालता है और एक को साधु पालता है। तो दोनों अलग अलग तरह के होते हैं। उसी के बारे में एक क्वेश्चन है, हाउ डिड द टू बेबी बर्ड्स गेट सेपरेट, किस तरह से दो जो बेबी थे वो तो किस तरह से अलग हो गए। आंसर है, द टू बेबी बर्ड्स लिव्ड इन ए टॉल ट्री विथ देयर मदर। तो दो बर्ड्स थे, अपने माँ के साथ एक पेड़ पर रहते थे। वन डे ए बिग स्टॉर्म ब्लू, एक बार बहुत तेज तूफान आया, द ट्री केम डाउन और जो पेड़ था वो गिर गया, द मदर बर्ड वॉज किल्ड और उसकी जो माँ थी वो मर गई, द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू द टू चिक्स अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट एट ए लिटिल डिस्टेंस। वो दोनों बर्ड थे पास में ही, एक दूसरे से अलग हो गए, एक को डाकू ने पाला और एक को ऋषि ने। From each other, thus they got separated from each other. Question second है, where did each of them find a home? One of the young bird came down near a cap. एक जो bird थी वो cap के पास जाकर गिरी। A gang of robbers lived there. वहाँ पर डाकुओं की gang रहती थी। The other bird landed outside the ashram of the Rishi at a little distance. थोड़ी दूर पर जाके एक ऋषि का आश्रम था, दूसरी बर्ड थी वो वहाँ पर पहुँच गई। थर्ड क्वेश्चन है, what did the first bird say to the stranger? जो फर्स्ट बर्ड थी वो किसी अजनबी को देख कर क्या कहती थी। आंसर है, द फर्स्ट बर्ड saw द stranger, यानी द किंग, किंग को देखा। He called the robbers to hurry up and rob the man of his jewels and his horse. Indirectly, he asked the stranger to leave the place at once. यानी वो ये कहती थी, यहाँ से चले जाओ, और robbers को बुलाती थी, इन्हें लूटो मारो। Question number 4, what did the second word say to him? Answer is, the second word welcome the king to the ashram. He requested the stranger to drink water, take rest and make himself comfortable. वो कहती, आइए आपका स्वागत है, बैठिए, पानी पीजिए, आराम कीजिए। He added that his brother lived in the company of robber, so he talked like them. इससे कहते हैं कि जैसे कंपनी में जो रहता है वैसा ही असर पड़ता है। जो उसका सेकेंड जो फर्स्ट वर्ड थी वो रोबर के पास थी, इसलिए वो इस तरह कहती थी। थैंक यू।